इरेगुलर माना ओलिगोमेनोरिया अनियमित। अनियमित क्यों होता है? देखिए अगर हम इंबैलेंस होंगे तो शरीर इंबैलेंस होगा, हम इरेगुलर होंगे तो शरीर इरेगुलर होगा जी, क्योंकि ये हमारे विचारों से और हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। हम बैलेंस हो जाएं तो ये जो इरेगुलर वो खत्म हो जाता है। और क्या होता है, जिनको इरेगुलर होता है जाते डॉक्टरों के यहाँ और जितनी ये पिल्स देते हैं, जो पिल्स से ही ये गठाने बनती हैं। कभी भी गर्भ रोकने वाली गोलियां भी नहीं खाना चाहिए। ये जो आज लेडीज में एक मैं बता रहा हूं, अगर स्टडी करें ना, हर दूसरी चौथी महिला को देखो ब्रेस्ट ट्यूमर यूट्रस ट्यूमर, और वहां जाओ तो बस अंग को निकाल के फेंक दो, ना होगा बांस नक बजेगी बांसुरी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी एक लेडीज ने यूट्रस निकलवाया, उसके बाद उसका पेशाब नहीं रुकता है, और यूट्रस निकलवाने के बाद लेडीज हमारे यहां आती है कभी ठीक नहीं रहती है, क्योंकि यूट्रस हमारा जुड़ा हुआ है विचारों से। हम ह्यूमन है, क्या हमारे विचार नहीं होंगे क्या? यूट्रस को तो निकाल दिया तो हमारे विचार नहीं होंगे क्या? और जो सीक्रेशंस हो तो कहां जाएं? तो मैं बता रहा हूं हमारी लाइफ स्टाइल को नॉर्मल करने से होता है। इसमें कटि स्नान, मेहन स्नान, सूती उनी लपेट, कमर के व्यायाम और आंवला नींबू संतरा पाइनएप्पल मौसमी और पेट को साफ करने वाली चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। जो नुकसान करने वाली चीज़ें हैं उनको हटाना है और ये आलसी जीवन को दूर करना है।